की धर्म के खिलाफ बात करने के लिए खड़ी नहीं हूँ। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एक संघर्ष से, एक संघर्ष के लिए, उन विचारधारा के खिलाफ जो विचारधारा इस देश को तोड़ना चाहता है, उस विचारधारा के खिलाफ जो संविधान को चुनौती दे रहा है। मेरा संघर्ष उस विचारधारा के खिलाफ है। मेरा नाम शिभा है, मैं इंडिया प्रजा बंधु पार्टी वुमेन प्रेसिडेंट हूँ। बात नागरिकता के बारे में हो रही है, नागरिकता, अभी नागरिकता, भारतीय नागरिकता पाने के लिए तो पहले से आर्टिकल 4 से 11 तक इतने सारे प्रोसीजर्स हैं। इन सब के होने के बावजूद भी ऐसे प्रोसीजर्स हैं संविधान में जिसमें जाति पात के बारे में, धर्म के बारे में कोई बात नहीं की गई है, सिर्फ भारतीयता नागरिकता के बारे में बात की गई है। समानता है 4 और 11 आर्टिकल्स में, मगर अभी जो अमेंडमेंट लाया गया है, अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ विष है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जहर है। थैंक यू। जहर है, इतना जहर घोल रहे हैं। यहाँ नॉन मुस्लिम और सिक्स रिलीजन के बारे में बात कर करके इतना जहर घोल रहे हैं, एक लकीर खींच के बोल रहे हैं सीधा सीधा कि हम नॉन मुस्लिम को नागरिकता देंगे और मुस्लिम को नहीं देंगे। ये समानता के और संविधान की स्फूर्ति के खिलाफ है। संविधान का खुले आम खत्म कर रहे हैं और ये हमें मंजूर नहीं है। हम अम्बेडकरवादी हैं। 56 इंच की चीज जो बात बोलते हैं ना, या जो भी हो, जो जिम वाले जो कामकाज नहीं करते, जितनी भी बातें वो बोलते हैं ना, हम अम्बेडकरवादी, हम बोलते हैं कि हम संविधान पे विश्वास रखते हैं और ये हरगिज नहीं होगा। अगर CAA, NRC, NPR के बारे में बात करें, 3 अलग-अलग शब्द लगते हैं लेकिन एजेंडा एक है, एक ही एजेंडा का झंडा, भगवा झंडा हर गली में, हर मोहल्ले में फहरा रहे हैं, लेकिन ये एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। पूर्ण विश्वास से कह रही हूँ, मुझे, आपको और हमें संविधान में विश्वास है, संविधान हमें बचाएगा। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहती हूँ। एक, बोलते हैं ये नागरिकता देने की बात है, नागरिकता छीनने की बात नहीं है। पहले अपने देश के अंदर तो देखो, 12 देश में जो हिंदू है, जो भारतवासी दलित हिंदू है, उनपे अत्याचार होते हैं, उनको आप अपने मंदिर से, अपने घर से, अपने बाजार से दूर रखते हैं, उनपे अत्याचार करते हैं। एक एक इंसिडेंट के बारे में अगर मैं खुल के बात करूं तो आप सबकी सर शर्म से झुक जाएगी। ऐसा बर्ताव हो रहा है,
ओवर थिंकर होना चाहिए। इन्होंने ये काला कानून ला के रख दिया। अब एक बार सोचो, अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अगर कोई हिंदू भारत फिर लौटना नहीं चाहता, बहुत सारी मजबूरियां होती है, वो अगर नहीं लौटना चाहते और वही रहना चाहते हैं, तो समझो ये जो नॉन मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का लकीर इन्होंने खींचा है, इनका असर वहां कैसे होगा? सोचिए, अगर कोई वेस्टर्न कंट्रीज में जो रहने वाले हैं, वहां पे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब मिलजुल के रहते हैं, ये जो लकीर हिंदू मुस्लिम का उन्होंने खींचा है, इसका असर वहां कैसे होगा? एक लीडर को ग्लोबल थिंकर होनी चाहिए। मेरे देश में जहाँ पे मेरे बहुत सारे पार्लियामेंट्री मेंबर्स थे, वहां पे मैंने एक कानून ला के रख दिया। सोच इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। पूरे ग्लोबल में मेरे हिंदू मेरे भारतीयों का क्या होगा, ये सोचना चाहिए। और एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, समर्थन तो हमने बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा किया हमने समर्थन। डीमोनेटाइजेशन टाइम पे हमने समर्थन किया, ये सोच के जीएसटी के टाइम में समर्थन किया, प्राइवेटाइजेशन के समय चुप बैठ कर देखते रहे, ये सोच के कि काला धन खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, एटीएम में बैंक के लाइनों में हमें खड़े होना पड़ा, पेंशनर्स को खड़ा होना पड़ा, मार हमें खानी पड़ी, डिलीवरी होने वाले औरतों को मुश्किल हमें फेस करना पड़ा। उनको क्या करना पड़ा, जब भी किसी मुश्किल हालात के बारे में बात करें तो सीधी बात गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी की तरफ पलटा देते हैं। क्या इनके पास कोई जवाब नहीं है? एक बात, ये भारत देश गांधी जी, नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी उन्हीं से नहीं बना, ये देश इस कौम का है, सबका है। आप हर बात को उनकी तरफ पलटा के ऐसे जवाब से आप मुंह छुपा नहीं सकते। मेरी तो एक ही गुजारिश है, मेरा बस एक ही बात है, पूछते हैं बार बार इन कानून से आपको डर किस लिए है? डर हमें इसलिए है कि हमने आवाज उठाया और शाहीन बाग में हम पे गोली चलाया गया, हमने आवाज उठाया जेएनयू और इस्लामिया में हम पे गोलियां चली, आप पे नहीं। नेता तो आते जाते रहेंगे, नेता तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें ये इतिहास उस नेता को याद रखेगी जो संविधान का और इस देश के प्रजा का आदर करेगा। मैं ये इस मंच से मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ।